हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु भाटिया चटपटी तारा का जायका चैनल में आपका एक नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टेस्टी तो ये ऐसी है कि पनीर की सब्ज़ी है तो सबको टेस्टी लगती है। ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है फ्रेंड्स, जल्दी बनने के जल्दी जल्दी बनने वाली, 15 से 20 मिनट में बन गई फ्रेंड्स। हमें भूख लगी और सब्ज़ी कोई ना हो हमारे घर में, उस सबसे अच्छी सब्ज़ी है शिमला मिर्च रखी हो, प्याज हो और पनीर हो, बस क्या कहने, बढ़िया सब्ज़ी बन जाती है। हेल्दी है इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मैंने बहुत कम तेल में बनाई है और मैं आपको बताऊंगी आगे मैंने कैसे बनाई है। बस इसमें सॉटे करने में जो तेल लगा है वो बस लगा है, बाकी तो मैंने बहुत कम ऑयल में बनाई है फ्रेंड्स। खूब सारा ऑयल हमें नहीं डालना, जैसे रेस्टोरेंट में होटल में होता है ना ऑयल में, और ना मैंने इसमें बटर डाला ना मैंने इसमें कोई क्रीम डाली फ्रेंड्स। सच में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बिलीव करिए आप इस मेरी ये रेसिपी को फॉलो करिए और एंड तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए ना मैंने प्याज को क्यूब्स में काट लिया और साथ में शिमला मिर्च को भी वैसे ही काट लिया, साथ में टमाटर एक ग्रेट कर लिया है और एक अदरक और का टुकड़ा ग्रेट किया है और थोड़े से 4-5 लहसुन की कलियों को भी ग्रेट कर लिया और साथ में पनीर तो है ही है फ्रेंड्स, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है उसके बराबर बराबर। तो फ्रेंड्स अभी हमें सबसे पहले ना क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑयल डालना है पैन में, मैंने पैन में बनाई, आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इसको पैन में डाल के सबसे पहले तेल में हमें ना प्याज जो हमने क्यूब्स में काटे थे ना उनको थोड़ा सा हल्का सा सॉटे करना है फ्रेंड्स, बस कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसमें प्याज और साथ में ना इसकी शिमला मिर्च भी एक साथ ना हमें हल्का सा ना सॉटे कर लेना है बस। अभी हमने इसमें प्याज थोड़ा सा डाल लिया, मिक्स कर लिया है, थोड़ी सी अब वो जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी है ना बस उसको भी हमने क्यूब्स पे काट लिया था सेम बराबर, बस इसको भी हमने इसी टाइम पर मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। और इनको ना दोनों को बस मुश्किल से दो मिनट के लिए बस चलाना है हमें बस ऐसे पैन में और विदाउट ढके, हमें इसमें ऊपर ढक्कन नहीं डालना है और ऐसे ही ये फ्राई हो जाएंगी, कच्ची कच्ची रखनी है बस, थोड़ा सा इनका कच्चापन सा निकल जाए ना और ये थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा सॉटे करना है बस, ये देखिए अब बस इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, ये हो गई हमारी, बस इतना ही हमको फ्राई करना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं करना। अभी इसको क्या कर लेना है फ्रेंड्स, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अभी। बस इतना ही हमें इसको करना है और एक प्लेट में निकाल लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए अब ना हमें क्या करना है, कढ़ाई रखनी है फिर से और थोड़ा सा ऑयल डालना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डाला है फ्रेंड्स, समझ लीजिए वो जो छोटा वाला चम्मच होता है ना जिससे हम सब्ज़ी वब्जी यूज़ करते हैं खाते हैं उसमें, 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया। अब हमें ना जो हमने ग्रेट करके लहसुन रखा था ना और अदरक रखा था इस टाइम पर हमें वो मिक्स करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, कुछ ज़्यादा जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को। और ये मैं अब ना अदरक भी इसमें डाल दूँगी, ये भी मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था बस, और टमाटर को भी मैंने ना ऐसे कद्दूकस कर लिया था बस। और इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, प्याज आप लोग चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं पर मैं तो प्याज यूज़ नहीं करती इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स अब जो मैंने टमाटर इसको करके रखे थे ना इस टाइम पर वो मिक्स कर देने हैं। टमाटर मैंने 1 टमाटर लिया था फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लिया, और इसको ना मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। और ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइम पर मैं इसमें ये भी मिक्स कर दूँगी, कुछ ज़्यादा हमें किसी चीज़ को जलाना नहीं है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, बस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स आप सब समझ सकते हैं। बस इस टाइम पर हमने इसमें नमक मिर्च मसाले डाल देने हैं, बस नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी मिर्च डाली है मैंने और हल्दी डालनी है फ्रेंड्स साथ में ना, मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है, अभी धनिया पाउडर हमारे घर में अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें। और बस इनको देखिए कितने कम तेल में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन सच में बहुत टेस्टी और यम्मी बनी थी फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, और अच्छी बनती है। इसमें इस टाइम पर थोड़ा सा हमें पानी डालना, समझ लीजिए कि आधी कटोरी मैंने पानी मिक्स कर दिया है। ये देखिए अब ये बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी सब्ज़ी फ्रेंड्स, तेल कम तेल में बनी हुई है और ये बहुत ही हेल्दी होती है, टेस्टी तो है ही है और साथ में हेल्दी भी है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट लाने के लिए हमें ना ऑयल भरपूर मात्रा में खूब डाले जा रहे हैं हम ऑयल, तो वो सब नहीं करना फ्रेंड्स, ज़्यादा ऑयल हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता, तो जितना हो सके हमें कम से कम ऑयल का यूज़ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स अब इस टाइम पर ना मैं क्या करूँगी, ये जो शिमला मिर्च और प्याज मैंने सॉटे करके रखा था इसमें मिक्स कर देना है बस। अब ये इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स, और ये देखिए अच्छी तरह से हो गए हैं ये, क्योंकि ना हमने तेल ना इस टाइम पर शिमला मिर्च और प्याज में तो
शर्करा ही था तो उसके साथ ही था वो, तो ये भी एक बेनिफिट रहता है, तो कम तेल में बन जाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे और 10 मिनट के लिए मैंने ढक के रखा है फ्रेंड्स। अब मैं इसका ढक्कन निकाल रही हूँ 10 मिनट के बाद, और ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, मज़ा आ गया आपको शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी का। अब इसमें ये जो पनीर के क्यूब्स काट के रखे थे ना, अब इनको भी हम इसको मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता और ये बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। जब कोई सब्ज़ी खाने का मन ना हो और शिमला मिर्च पड़ी और पनीर बनाओ, प्याज तो हर घर में रहता ही है हमेशा, टमाटर भी रहता है और अदरक लहसुन तो हमेशा ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ये सब इंग्रेडिएंट डाल के ना बढ़िया एक सब्ज़ी बन जाती है, प्याज और शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने कोई क्रीम नहीं डाली, कोई बटर का यूज़ नहीं किया है। 10 मिनट के लिए हम 5 मिनट के लिए बस हम इसको ऐसे ढक के रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसमें पनीर में भी सारे नमक का स्वाद, मिर्च का स्वाद आ जाए। अब ये ढक्कन मैं 5 मिनट के बाद उठा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, वाह मेरी सब्ज़ी तो बन गई है। ऊपर से मैंने डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डालूंगी। मेरी सब्ज़ी हो गई बनकर तैयार फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक बाउल में। देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना टेस्टी है और कितनी हेल्दी है फ्रेंड्स। इसमें तेल भी बहुत कम मैंने यूज़ किया है और बिलीव करिए फुलकों के साथ तो इतनी अच्छी लगेगी ना। साथ में थोड़ा सा सलाद काट लीजिए, मज़ा आ जाता है खाने का। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये सब्ज़ी? देखिए ये मैंने इसको सर्व कर लिया है एक बाउल में। आप भी ऐसी ही बनाने की कोशिश करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती भी हैं कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स बन गई, ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लेंगे। हीरो आ गया धनिया। ओके फ्रेंड्स कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।